बस 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 बस, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूरा ही रोकना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और इसको समझ में नहीं आ रही है, ये तुम्हारा ये निशानी है तुम्हारी, तुमने इसको बस यहीं पर ही रोक देना है, तुम बहुत करीब ला रोगे ना तो अब पूरा मेरे उसमें नहीं आ रहा तस्वीर में, सही है, यही रोक दोगे। इनको समझाना थोड़ा सा, इनकी लैंग्वेज दूसरी होती है ना तो मुश्किल रहता है। तो अभी कोई शॉट आ गया इसका, पहले वाला जो था पहले? हाँ, वर्टिकल में तो आए अच्छे शॉट्स, एक दो आए हैं। वाली तस्वीर अब आपको कैटल मार्केट कराची में मिलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी सून। पहला जानवर अभी हुआ है तकरीबन, हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है इसके ऊपर, अभी तकरीबन 5 जानवर हैं और टाइम भी थोड़ा सा सही नहीं है, दोपहर का टाइम है। टाइम इस हवाले से ना सुबह का सबसे बेहतरीन टाइम होता है फजर के बाद का, लेकिन मेरी चूँकि जॉब होती है, नाइट जॉब होती है और पूरी रात जॉब करके आता हूँ, तो कोशिश यही होती है कि फजर के बाद ही हो, लेकिन जो है ना वो उठते उठते आज मुझे दोपहर ही हो गई, लेकिन शूट आज ही करना था तो इसलिए मैंने बोला चलो जो भी टाइमिंग है उसके अंदर करते हैं। बाकी आप लोग कैटल मार्केट कराची पर इसकी पिक्चर्स मैं पोस्ट करूँगा तो देख के बताइएगा कि कैसी पिक्चर्स हैं। चलो भाई फिर लोकेशन चेंज करने, दोबारा से लोकेशन चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह ये इतनी कीमती बात है, इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आई डोंट नो कि कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं, कहीं आपको किसी थ्योरी में नहीं मिलेंगी। अभी क्या है ये बछड़ा जो है ना, इसका रंग है लाइट, एक दो पिक्चर्स ली हैं तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हाईलाइट्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप डायरेक्ट पड़ रही है। अब कोशिश कर रहे हैं दोबारा जो सॉफ्ट लाइट वाला एरिया है उसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं बछड़े को, और अपनी भी लोकेशन चेंज कर रहे हैं ताकि वहाँ थोड़ी सी जो है ना वो सही कलर बैलेंस वाली पिक्चर्स आएँ। ठीक है अल्लाह का शुक्र। अभी और सहूलियात भी मिलेंगी इसमें आपको इंशाल्लाह। वहीं पर ही हमने किया था पिछली बार, यहाँ पे गया था ना, हाँ लेकिन वो पीछे वो पैनाफ्लेक्स उस वक्त लगाया हुआ था ना। चलो यहीं ले आओ। चलो भाई अब तीसरी जगह चेंज हो रही है, देख के। हाँ भाई तीसरी लोकेशन है ये, लोकेशन पर भी असल में एक मसला ये भी है कि जो है ना जानवर को थोड़ी खुली जगह चाहिए होती है, वो घूमता है सही खड़ा कराने के लिए। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे जगह हो रही है कंजस्टेड, और ये वो जानवर नहीं है कि जिनका पूरा साल ही फ़ोटोशूट होता रहता है, पूरा साल ही, जैसे बहुत बड़े बड़े जो फॉर्म होते हैं ना उन पर जो एक्स्ट्रा जायंट बहुत ज़्यादा ही हैवी जानवर होते हैं ना, एक तो वैसे ही इतने एक्टिव नहीं होते, थोड़ा जैसे भी उनको आप खड़ा करेंगे ना हल्का सा एक्शन देंगे वो खड़े हो जाएंगे। जो नॉर्मल जानवर है ना वो उनको एक तो थोड़ा सा काम करने में, कंफर्टेबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब तीसरी लोकेशन पे हम जा रहे हैं जहाँ हमने पिछले साल इनका शूट किया था, लेट्स सी के वहाँ पे कैसी पिक्चर्स आती हैं। चलें जब तुम्हारी रस्सी इस तरफ है ना, मैं उस तरफ हूँ, तो इधर ही होगे। अभी जानवर का ऐसे था कि धड़ इधर था, चेहरा इधर था, ऐसे था ना, और तुम रस्सी इधर से खींच रहे थे तो चेहरा और इधर हो रहा था, बार बार ख़राब हो रहा था। अभी क्या है कि तुम्हारी जब रस्सी इस तरफ है ना, जानवर का धड़ यूँ होना चाहिए, चेहरा इधर होना चाहिए, जानवर यूँ सामने खड़ा होगा, इधर इधर ये सामने खड़ा होगा, ये इसका यूँ समझो ये धड़ है इसका जानवर का ये, और ये यूँ देखेगा चेहरा हल्का सा, समझ गए, क्योंकि तुम यहाँ इसकी रस्सी खींचोगे हल्की सी, यूँ आएगा इसका ऐसे आड़ा लुक आएगा हल्का सा, ऐसे सीधा यूँ खड़ा होगा, समझ गए बात को। अब इसको इस तरफ खड़ा रखना, समझा दी भाई। हाँ थोड़ा सा इनको भी आइडिया नहीं होता है ना कि हाँ आओ आओ बस बस कितने का होगा। चलो ये वाला हो गया इसका, अब इसको ऐसे चौड़ा शॉट लेना है पूरा इसके साथ, जब तुम चलोगे ना थोड़ा हट के चलना भाई समझाने के लिए उसको। चलो भाई चलते हैं,
इसको ऐसे खड़ा करोगे, हल्का सा तिरछा, हल्का सा, समझ रहे हो? अच्छा जी, दो बछड़े अभी हुए हैं तकरीबन एक घंटे के अंदर, दो बछड़ों का हुआ है, तीसरी बछी आ रही है ब्लैक एंड वाइट। वैसे पांच जानवरों का करना है आज, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पांच जानवर आज कंप्लीट होंगे, तो बछिया के बाद आई गेस वाइंड अप करेंगे, फिर दोबारा नेक्स्ट वीक जो है फ़ोटोशूट रखेंगे बाकी जानवरों का इंशाल्लाह। चलें भाई दोस्तों, अभी बछड़ी को लेकर आए थे हम बहुत मुश्किलों से, मगर जो है ना कैमरा हमारा बच गया अल्लाह को प्यारा होते होते। नहीं, ये बच्चिया बेसिकली वैसे ही थोड़ी सी ना वो है, अड़ियल है, इसीलिए हमने इसका सबसे आखिर में रखा था शूट, लेकिन है बहुत खूबसूरत, सीना माशाल्लाह बहुत है बच्चिया का। ये देखें, असल में संभलने वाली चीज़ नहीं है ये, माशाल्लाह अल्लाह करे इसका अच्छा सा फोटोशूट हो जाए। वहाँ कैमरा रखा है, कैमरा संभालो। नहीं, कैमरा रख दिया साइड पर, साइड पर रख दिया, फिर भी चले आते हैं। फिर घूम गई उधर, आ जाओ आ जाओ, चले भाई अब ये खड़ी होगी यहाँ पे, अल्लाह करे हो जाए सही से, फिर इसकी तस्वीरें वगैरह लेते हैं। बोल भाई बहाने के शॉर्ट्स नहीं लेने हैं। फिर गई, निकल गई भाई। इस बछिया का तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, हालांकि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैवी बछी है, सीना बहुत है, बैक बहुत है, कमर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जो है ना ये बछिया बहुत भगा रही है। शूट मेरे ख्याल से पहली बार करवा रही है, क्या बात है। लेकिन इसने मुझे जब मैं आया था ना, तो इसने मुझे तभी बताया था ये बछिया सबसे ज़्यादा अड़ियल है, मैंने इसको बोला सबसे एंड में लेकर आना, इसी वजह से इसको ना अभी नहीं लेकर आना। लेट सी के क्या होता है। अच्छा, इस सिचुएशन में जो इस तरह का जानवर होता है ना, हम क्या करते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि रनिंग शॉट्स पहले ले लूँ, क्योंकि ये जानवर जो है ना वो पहले थकेगा, थोड़ा बहुत भागेगा, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत हो सकता है स्टेबल खड़ा हो जाए। सही बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना आपको सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो अपनी शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखनी होती है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर शॉट्स आएंगे ना वो हिलते जुलते भागते हुए आएंगे, अगर आपकी शटर स्पीड कम होगी तो वो शॉट ब्लर आएंगे, मोशन ब्लर आएगा, उसमें फोकस सही नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में आपको शटर स्पीड बढ़ा के रखनी होती है, और ज़्यादा धूप हो तो फिर ये अच्छा शॉट आता है, क्योंकि जितनी शटर स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके कैमरे में जो लाइटिंग है या एक्सपोजर है वो डाउन होता जाएगा, ब्राइटनेस आसान अल्फाज में जो है वो कम होती जाएगी। तो ये है, अब लेट्स सी के इसका शूट हो पाता है इसके कि नहीं हो पाता। चलो, इस टाइम पे एक नेमत मिल गई आपको। हाँ, पानी, पानी। अरे मतलब मिले और बोले कुछ खाना पीना हुकुम करें आप। नहीं, 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 नहीं। अब बस मैं क्या करना है, हीट पे तो नहीं आएगी। हाँ, मेरे ख्याल में बस क्या हो गया। सुनो, लो भाई रस्सी छोड़ दी उन्होंने बच्चिया की, वो देखो। हाँ, कोई मसला नहीं है। पे भाग गए, ये तो थोड़ी तेजी नहीं ना, इसको कोई बनवाई भी नहीं है, नहीं बनवाई, सही बोल रहे हैं आप, थोड़े थक जाए ना, इसको थकना पड़ेगा। हाँ, सुकून से जो ना खड़ा हो जाता है, हालांकि ये माशाल्लाह से इतनी हैवी बच्ची हाँ। है कि इस तरह का जानवर तो खुद ही खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, लेकिन एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत हीट पे आई हुई है इस टाइम पे ना। खुद पे आ गए, फिर आ गए यार। ये जी रुपये की दूसरी बच्चियाँ ले आओ, घूम घूम के आती जा रही है, तो बार बार चक्कर काट रही है इसकी जो है ना। अगर इस वक्त वीडियो बनाए स्लो मो तो वो बड़ी बेहतरीन बनाएगी, क्योंकि हाँ वीडियो बना सकते हैं, बड़ी अच्छी वो बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन असल में टाइम कम है ना, मगरब होने वाली, अंधेरा होता जा रहा है, तो पहले फ़ोटो शूट कर लें। असल में ये वैसी काली बच्ची है ना, इसको धूप ज़्यादा चाहिए, वरना इसका बहुत डिम शॉट आएगा, कैमरे के पास ही ना फिर भागती हुई आएगी। बिन पीछे रखो बस, आप अपना कैमरा वैमरा हटा लो, उसको सुकून में आने दो। अरे डंडा ले, आया पासर, आया पासर, हूँ पासर। आपने थोड़ी सी कोई छड़ी ले वगैरह, असल में वो यहाँ आती है, उसको दिखती है अपनी जगह,
और वो अपनी जगह की तरफ वापस भागती है। ये इधर से वो कितने स्लो स्लो आ रही थी यहाँ तक, वहाँ से उसको एक वो इशारा आ जाता है कि वो जगह दिख जाती है अपनी दोबारा। अब यहाँ से देखो आने की नहीं कर रही, रहने दो, इस पर टाइम ज़ाया हो रहा है। रशीद की भी जो है ना वो टसल आ गई है कि जो है ना अब तो इसकी मैं बनवा कर ही रहूँगा ऐसी की तैसी है। देखते हैं अब कौन जीतता है, रशीद भी है बछिया। अरे हीट पे आई है, मुझे मिल रही है ये। हाँ वो देखो ना बुरी तरह से हीट पर आई है, जब भी वो ऐसे कर बोल रहे हैं हीट पे आई है, ऐसे ना वो रुक नहीं रही। ओए 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 छोड़ दे रशीद, छोड़ दे छोड़ दे रशीद, छोड़ दे, बांध दे इसको रशीद, दूसरी भी करवा ले रशीद, बांध दो इसको अब, बांध दे बांध दे, छोड़ दे, वो हीट पे आई है, अब इधर से बना लो। चलें जी आज का शूट ख़त्म हुआ इस बछिया के ऊपर, माशाल्लाह बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। और आखिरी एक टिप देता चलूं, रशीद को पहले मैं थैंक्स कहूंगा, माशाल्लाह इसने बहुत मेहनत करी है, हमने भी करी है, इसने भी करी है और बहुत कोऑपरेट किया है। अच्छा इस तरह का जो जानवर होता है ना, जो छोटा जानवर होता है, तो इसके अंदर आप ज़्यादातर ना स्टेबल पिक्चर्स इसको खड़ा करके नहीं ले पाते हैं, तो आप में आपको ज़्यादातर इसमें रनिंग शॉट्स अच्छे आ जाते हैं या फिर जो है ना वो पोर्ट्रेट मोड में यानी वर्टिकल कैमरा रख के इसके थोड़े अच्छे शॉट्स आते हैं, तो वही मैंने लिए हैं। बाकी पिक्चर्स कैटल मार्केट कराची यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह पोस्ट होंगी और मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोहम्मद मुजम्मिल शेख के नाम से उस पर भी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी BTS की वीडियोज़ और शूट्स वगैरह की इंशाल्लाह पूरा साल मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।